हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स अग्निपथ के न्यू एग्जाम पढ़ने दे रहा हूँ, एयरफोर्स एक्स वाई का इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट दोस्तों कराएंगे। यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन लिया है, पैसेज 1 से 4 नंबर तक है, पैसेज को बाद में देख लेंगे, ठीक है। चलो बाकी क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर की स्क्रीन में आप पेपर दे रहे हैं, 20 में आप कितना आज स्कोर कर पाते हैं, एक बार मॉक टेस्ट ये लगा के देख लीजिए। 5वां नंबर है, कॉपी पर निकाल लीजिए, 2 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से निकाल लीजिए। स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड दिया गया है, यहाँ पे जो इमेसिनल की स्पेलिंग दी है गलत दी गई है। आई डबल एम होता है ई एन एस ई एल वाई, दोस्तों आई डबल एम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे डबल एम लगा लेना, ई एन एस ई एल वाई। इमेंसलिन माने होता है विशाल रूप से, सिस्टमेटिक माने होता है व्यवस्थित, और ग्रामर की स्पेलिंग आप लोग देख लेना ए आर होती है लास्ट में। इलुस्ट्रेट माने होता है उदाहरण देखें स्पष्ट करना। यहाँ पे दिया है चेंज द नरेशन, मोहन सेड टू हिज सन मे गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों आप लोगों को बताया जब भी गॉड आए तो गॉड के बाद में माइट आता है, तो गॉड के बाद में माइट कहाँ पे है, तो इसमें है, इसमें भी है, और माइट के बाद में गॉड है, तो इसलिए ये चौथा गलत हो गया। और ये तो आपका गॉड बाद में आ गया और इसमें माइट आया नहीं, तो गलत हो गया। गॉड के बाद माइट जरूर आता है, तो गॉड के बाद माइट आपके 2 ऑप्शन में। इसमें देम कहाँ से आ गया अपने मन से, देम दोस्तों गलत हो गया, इसमें देखना है देम आ गया। यहाँ पे देम कहाँ से आ गया, दे का देम होना चाहिए, यहाँ कहीं दे दिया नहीं गया, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन दूसरा ही सही है, ठीक है। अगला दिया गया नो बॉडी कैन मेंड हिज वॉल, 7वां नंबर प्रश्न आपका दिया गया, तो 4 ऑप्शन को देखते हैं। तो दोस्तों देखिए जरा क्या बन सकता है इसका राइट ऑप्शन, कैन दिया गया, तो देखिए आप लोगों का इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो दिस वॉल से आपका स्टार्ट होगा, दिस वॉल कैन बी मेंडेड बाई एनी बडी, इसमें नो बडी दिया गया ना, चलो तो आपका नो बडी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों देखिए कैन नॉट के बाद में नो बडी है, दो नॉट है, मान के चलिए नो बडी के साथ में, हाँ ये रूल बता दे रहा आपको, नो बडी के साथ में नॉट नहीं आता है, नो बडी के बाद साथ में नॉट कभी नहीं आता, तो ये गलत हो गया तीसरा। अब मजबूरी में चौथा ही सही लगाना पड़ेगा, दिस वॉल कैन नॉट बी मेंडेड, बिल्कुल सही है आपका, 100% चौथा सही ऑप्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा नो बडी के साथ में। अब नो बडी आना था, यहाँ पे एनी बडी लगा दी, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सब्जेक्ट इसको दिस वॉल बनाना था, यहाँ दिस वॉल से सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं किया गया। और तीसरी बात आपका नो बडी के बाद नॉट नहीं आता, इसलिए ये भी गलत हो गया, तो दिस वॉल कैन नॉट बी मैंडेट हो जाएगा सही। डू ए टू गिव ए वाइड बर्थ, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, 8वां नंबर आपका प्रश्न दिया गया, इसका मतलब होता है टू अवॉइड, टू गिव ए वाइड मतलब होता है ध्यान ना देना या इग्नोर करना, टू अवॉइड। अगला दिया गया है द प्रिजनर डिड नॉट कंसीडर टू द आर्गूमेंट ऑफ द जेलर, दोस्तों ये नो ईडर का क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिड के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप लोगों को शायद नहीं पता होगी, तो यहाँ पे कंसीड होगा, कंसीडर नहीं होगा, कंसीड होगा केवल, दूसरे में गलती है, डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दो रूल, एक रूल आपको बता दे, हैड सूनर, हैड बेटर, दोस्तों ध्यान से सुनते रहिएगा, हैड सूनर, हैड रेदर, हैड बेटर, तो दोस्तों इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। और डिड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जो मॉडल होते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, ये सब के बाद में आपकी जो मॉडल होती है दोस्तों वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है मॉडल के बाद में, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। वन हु इज हैबिचुअल ड्रंकर्ड, तो आप लोग कह सकते हो इसको पियक्कड़ कह सकते हो, ठीक है। 10वें नंबर का यहाँ पे पियक्कड़ कह सकते हो, तो शॉर्ट माने होता है पियक्कड़ या फिर कह सकते हो पक्का शराबी। टोपर माने भी होता है TOPR, टोपर माने भी होता है पक्का शराबी, और शॉर्ट माने भी होता है पक्का शराबी, तो दोनों में से कोई भी पेपर में ऑप्शन आ सकता है। अगला देखते हैं, रैवेज माने क्या होता है, विनाश करना, नष्ट करना, बर्बाद करना, तो इसका डिस्ट्रक्शन माने भी होता है बर्बाद करना, ठीक है, इसको थोड़ा आप लोग देख लेना। तो एल्यूरिंग माने क्या होता है, एल्यूरिंग माने होता है मनोहर, और सैडी माने छायादार, रिस्टोरेशन माने होता है मरम्मत, रिस्टोरेशन माने होता मरम्मत, फो माने होता शत्रु, तो इसका दोस्त हो जाएगा, एडवर्सरी माने होता वैरी या फिर वो प्रतिद्वंदी, फीवर माने कमजोर, कोहिरेंट माने दोस्तों क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछता है, कोहिरेंट माने होता ससंगत, जो ससंगत हो। अगला दिया गया मैन का एडजेक्टिव पूछा गया है, तो दोस्तों मैन का यहाँ पर एडजेक्टिव क्या बनेगा, मैनली बन जाएगा, और यहाँ पर बैरोन दिया गया, बैरोन का फेमिनाइन हो जाएगा बैरोनोस, बैरनेस हो जाएगा। और वाइंड का दोस्तों क्या होगा, वाइंड का वाउंड हो जाएगा, यहाँ पे आपका पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जो है पास्ट फॉर्म वो वाउंड हो जाएगी, वाइंड मतलब हवा होता है, सभी को पता होगा। 16 नंबर से 20 नंबर पे देखते हैं क्या दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स, ही टोल्ड मी डैट डैश हिज फादर टोल्ड हिम, दोस्तों बताइए यहाँ पे क्या हो सकता है, 16 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे वाट आएगा, ठीक है,
वाट हिज फादर टोल्ड हिम। अगला दिया नेवर पुट ऑफ डैश टुमारो वाट यू कैन डू टूडे। तो दोस्तों टिल आएगा, ठीक है, कल तक कभी मत टालना, ठीक है, इसके अंदर। अगला दिया आई वुड डाई बिफोर आई वुड, आपका विल का पास्ट वुड होता है, तो लाई का पास्ट लाइड होता है, तो यहाँ पे चौथा ही सही रहेगा। देखो जब एक चीज़ आपकी पास्ट में चल रही है, एक सेंटेंस पास्ट में दूसरा भी पास्ट में चलेगा, तो लाई का लाइड होता है पास्ट फॉर्म। यहाँ पे 18 का चौथा राइट ऑप्शन आराम से है। अगला दिया ए मंथ ई रिटर्न, एक क्या कह सकते हो आप लोग बताइए, एक महीने बाद वह लौटा, एक महीने बाद तो आफ्टर होगा, जब रिटर्न माने होता वापस लौटना, तो एक महीने बाद ही तो वापस लौटेगा, ठीक है। अगला दिया आई एम टालर देन, कंप्यूटर डिग्री बाद में देन आता है, ये रूल देख लो आप लोग लिखा भी है। यू डैश टू इंचेस, जब 2 इंचेस की बात की गई है तो आप लोग समझ गए होंगे बाई का प्रयोग करेंगे, ठीक है। 2 इंच दिया गया तो यहाँ पे बाई का फिक्स प्रपोजिशन है आप लोगों की। अब यहाँ पैसेज को जल्दी से देख लेते हैं, पैसेज का वही सिंपल सा रूल है, पैसेज को सबसे पहले आप लोगों को पूरा पढ़ना। मान लो पेपर में यही पूरा पैसेज आता है, आप लोग देखिए इसमें 4 में 4 नंबर ला पाते हो कि नहीं। चलो वीडियो सभी लोग रोको, आप लोगों को हम सीधा राइट ऑप्शन इसमें बताते चलेंगे। वीडियो रोक के आप लोग पहले दूसरे का राइट ऑप्शन सबसे पहले बताइए। तो पहले का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दूसरे का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब तीसरा बता देते हैं आप लोगों को, तीसरे का यहाँ पर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। एक बार पैसेज को फिर से देख लो, अब चौथा राइट ऑप्शन आप बताइएगा, चौथे का राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। चौथे का राइट ऑप्शन दोस्तों आपका लाख बन जाएगा, लाख, ठीक है दोस्तों, चौथे का आपका पहला सही है। अब दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ पे मैंने कराए हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को दोस्तों यहाँ बता दे रहे, ध्यान समझिएगा। देखो मेरे चैनल पर आपको एयरफोर्स XY की तैयारी कराई जा रही है, एक मिनट रुक जाएगा, वीडियो लास्ट तक देखेगा उसी का फायदा होगा। जिसको भी प्लेलिस्ट चाहिए, मैंने काफ़ी प्लेलिस्ट पहले से ही बना रखी है, प्लेलिस्ट अगर आपको किसी को भी चाहिए तो कमेंट बताना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वीडियो को सभी लोग लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। मैंने इंग्लिश और मैथ रागा मैथ अलग से पढ़ाई है, टॉपिक वाइज भी, और रीजनिंग पढ़ाई है, और रागा फुल प्रैक्टिस सेट भी कराया, और वाई ग्रुप का पूरा इंग्लिश और रागा प्लस 50 क्वेश्चन भी ऐड करा के कराए हैं। और मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई है एक्स ग्रुप की, और यहाँ पे इंग्लिश भी पढ़ाई है एक्स ग्रुप की। तो दोस्तों अगर आपको किसी का भी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप लोग बताना, प्लेलिस्ट आपके कमेंट में सीधा लिंक मिल जाएगी। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना।